आज की क्लास में हमने आपके लिए जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है रियाकारी। रियाकारी बुरे अखलाक और किरदार में से है। इस्लाम की अखलाकी तालीमात में इस बात को बड़ी अहमियत हासिल है कि बंदाए मोमिन जो भी नेक काम करे वो अल्लाह के लिए करे। परवरदिगार आलम ने अपनी किताब कुरान मजीद में रियाकारी की सख्त मजम्मत की है और सूरतुल निसा में इरशाद फरमाया है कि लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करते हैं और अल्लाह को बहुत ही कम याद करते हैं। और एक आयत में हम और देखते हैं कि जिसमें परवरदिगार आलम का इरशाद हो रहा है, अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमा रहा है कि उस आदमी की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। तो देखिए इन दोनों आयतों में हमने देखा कि लोग दूसरों को दिखाने के लिए यानी रियाकारी के लिए नेक काम सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं और अपना माल खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि लोगों की नज़रों में अच्छे समझे जाएं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रियाकारी की मजम्मत की है। अब हम ये देखते हैं कि मासूमीन के फरामीन की रोशनी में, इरशादात की रोशनी में रियाकारी क्या है। तो हमारे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हर अमल मकबूल हो सकता है लेकिन रियाकारी के साथ किया जाने वाला अमल मकबूल नहीं हो सकता। और हमारे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हुए नज़र आते हैं कि जो शख्स लोगों के लिए अमल करता है उसका अजर लोगों के ज़िम्मे होता है और जो अमल खुदा के लिए किया जाता है उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे होता है। तो देखें यहाँ हमारे मासूम के इरशाद की रोशनी में भी ये बात वाज़े हो गई है कि अगर अल्लाह के लिए काम किया जाए या अल्लाह के लिए कोई नेक अमल बजा लाया जाए जैसे कुआं खुदवा देना या पानी की सगीरें लगवा देना तो इसका अजर उसे अल्लाह ही देगा। और अगर कुआं खुदवाते वक्त या पानी की सबील लगाते वक्त इंसान में रियाकारी आ जाए तो वो ये समझ ले कि उसका अजर लोगों ही के ज़िम्मे है, यानी जिनको दिखाने के लिए उसने पानी की सबील लगाई है या कुआं खुदवाया है तो फिर उसका अजर जो है उन लोगों के ज़िम्मे होगा।